साउथ अफ्रीका ने भारत को केप टाउन टेस्ट में चौथे दिन ही 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारतीय टीम को इस बार सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसके साथ ही इस देश में टेस्ट सीरीज जीतने का 30 साल का सपना भी अधूरा रह गया। कोहली ने हार का ठीकरा बल्लेबाजों की असफलता को बताया। विराट कोहली ने मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए शानदार है, ये सीरीज बहुत संघर्षपूर्ण रही। हमने पहला टेस्ट बहुत अच्छा खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी की। उन्होंने जो दोनों टेस्ट मैच जीते उसमें अहम मौकों पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आप किसी और आयाम के बारे में बात नहीं कर सकते, हमारे बल्लेबाज रन नहीं बना पाए, हमारी बल्लेबाजी नाकाम रही और इससे बचने का कोई फायदा नहीं है। लगातार बल्लेबाजी क्रम का ढहना अच्छी बात नहीं है, बेशक हम बहुत निराश हैं। टीम की बड़ी कमी पर बात करते हुए कप्तान कोहली ने कहा, हमने कई अहम मौकों पर बनाई गई बढ़त पर दबाव कायम नहीं रखा। साउथ अफ्रीका इस सीरीज में ऐसा कर पाई और यही जीत की असली वजह रही। लोगों को उम्मीद थी कि हम साउथ अफ्रीका को हरा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इसे मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम बेहतर टीम के रूप में यहाँ आएंगे। साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि हमें उन्हें श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला। विराट कोहली ने तो इस सीरीज की हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ दिया है। देखना होगा कि आने वाली सीरीज में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।